हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीच बॉन्ड क्रिएटिविटी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तोरण, जो बनाने में बहुत इजी है पर बहुत सुंदर है ये। और आप ये देख रहे हैं जो मैंने ये पॉम्पम लगाए हैं, ये मैंने कुछ मैरीगोल्ड के जो फ्लावर होते हैं ना, वो वाला कलर चूज़ किया है, जिससे कि फ्लावर का लुक आए, कि हमने वो फ्लावर लगा रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए हैंडमेड शीट, कुछ एक पॉम्पम, मिरर्स, ग्लू गन, और अभी आप देखेंगे मैंने एक गोल्डन रिबन पे ये सब असेंबल किया है। सबसे पहले आप एक लीफ का एक पैटर्न बना लीजिए, जैसे कि सारी लीफ इक्वल आए। तो मैंने एक वाइट पेपर पे एक लीफ ड्रॉ की है और उसके बाद उसकी कटिंग कर ली है। ये देखिए, कटिंग करने के बाद अगर आपको कुछ शेप में कुछ डिस्टर्बेंस लगे तो आप उसको फिर से रिकट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने हैंडमेड शीट पर रखा और सारी लीफ के कटआउट निकाल लिए। ये कटआउट जब मिल गए तो मैंने 3D कॉन लाइनर से इन पर हल्का सा डिज़ाइन दे दिया, जैसे वेव्स बना दी। मुझे ज़्यादा इस पर वर्क नहीं करना था, मुझे ऐसे ही हल्का सा वर्क चाहिए था। और साथ में एक एक मिरर पेस्ट कर दिया। ये देखिए, फिर उसके बाद मैंने पॉम्पम लिया, पॉम्पम पे एक एक गोल मिरर छोटा वाला वो लगा दिया। और जब आपकी ये सब चीज़ें तैयार हो गई तो मैंने इसको असेंबल करना स्टार्ट किया। मैंने गोल्डन रिबन लिया है, आप उसकी ब्रॉड अपनी हिसाब से ले सकते हैं। मुझे जितना ब्रॉड चाहिए था मैंने उतना लिया, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी। और आप ग्लू गन पूरी लीफ पर जस्ट एक लाइन सा खींचें, जिससे कि वो अच्छे से लीफ पर पूरा पेस्ट हो जाए, जैसे जब हम उसे लगाएं तो वो निकले ना। आप देख रहे हैं ना, पीछे से देखिए, मैंने पूरा कंप्लीट उसे जस्ट ड्रॉप नहीं लगानी है, उसको पूरी लाइन बना कर अच्छे से पेस्ट कर देना है। और एज इट इज़ आपको ये पॉम्पम के साथ भी करना है। ये देखिए, उसे पूरी लाइन बनाकर उसको अच्छे से थोड़ा प्रेस करके दबाकर लगा दीजिए। बस इसी तरह आप लगाते जाइए, जितना लंबा आपको चाहिए, जितनी लेंथ आपको चाहिए। और ये बनकर बहुत खूबसूरत लग रहा है, इवन लगकर बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, मैंने पूरा अपना डोर से विंडो तक का बनाया है, मुझे ऐसे ही पसंद है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड राइट।